मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग पांचवा अध्याय में देख रहे थे कि पुद्गल का आपस में कैसे बंध होता है और वो किस रूप परिणमन हो जाता है, यहाँ तक अपन ने देखा था। आज अपन सूत्र नंबर 38वां देखेंगे, जहाँ पर आचार्य भगवान द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। यद्यपि द्रव्य का लक्षण पहले बताया जा चुका है, उत्पाद वय द्रव्युक्तम सत या सद्रव्य लक्षणम, लेकिन एक और प्रकार से द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। वहाँ पर जो द्रव्य का लक्षण बताया था वो सद्रव्य लक्षण वह महासत्ता की अपेक्षा था, समस्त द्रव्यों की अपेक्षा था, लेकिन वो और भी प्रकार से हो सकता है। इस सूत्र का देने का मतलब आचार्य का गुणात्मक रहस्य है। पहले अपन इस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके रहस्य को और इसके बारे में अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं। गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। पांचवें अध्याय का 38वां नंबर सूत्र है, गुणे पर्यायवद् द्रव्यम, गुणे पर्यायवद् द्रव्यम। ये द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गुणे पर्यायवत्, दा का ता हो जाएगा तो वत मतलब होता है बाला, अर्थ में प्रत्यय लगता है, नगर वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाला अर्थ में अर्थ लगाना, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। द्रव्य क्या होता है? जो गुण पर्यायवान है, मतलब गुण और पर्याय से सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये यहाँ पर सूत्र का अर्थ है। यद्यपि इस सूत्र की जो महत्ता थी वो पिछले सूत्र में आ चुकी है, उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, क्योंकि उत्पाद वय पर्याय पर्याय है और द्रव्य गुण है से युक्त द्रव्य होता है। पर वहाँ महासत्ता की बात थी, वहाँ द्रव्याणी जीवाश्य, इस प्रकार वहाँ आगे पीछे सूत्र में निर्देश किया गया था, लेकिन द्रव्य का लक्षण होता क्या है उसको यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया। अन्य लोग जो हैं द्रव्य से गुण को भिन्न मानते हैं, उस बात का खंडन करने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र बताया कि नहीं, गुण पर्याय कभी द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे वो आत्मा और आत्मा का ज्ञान, इन दोनों को भिन्न भिन्न मानते हैं कि आत्मा नाम की द्रव्य जो है वो अलग है और आत्मा में पाए जाने वाला जो ज्ञान गुण हैं वो भिन्न हैं, तो उन दोनों को वो भिन्न कहते हैं। कोई कोई आत्मा को छोटा और ज्ञान को बड़ा, कोई ज्ञान को छोटा आत्मा को बड़ा, पर यहाँ पर आचार्य भगवान ने ऐसा सुंदर लक्षण बनाया कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। गुण जो है वो द्रव्यमय हैं, तो द्रव्य के संपूर्ण हिस्से में पाए जाने वाला वह गुण होता है और उन द्रव्य और गुण की पर्याय होती है। तो इस प्रकार से गुण और पर्याय वाला जो है वह द्रव्य है। जिसमें गुण नहीं है वो द्रव्य नहीं हो सकता है, वो द्रव्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, और जिसमें पर्याय ना हो, परिणमन ना हो, तो वह भी द्रव्य नहीं हो सकती है। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने द्रव्य की परिभाषा अर्थात द्रव्य का लक्षण बताया है। अब इसमें गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। गुणों को आचार्य भगवान ने क्या बताया है और पर्याय को क्या बताया है, स्लाइड के माध्यम से इसका अर्थ अपन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गुण, पहले नंबर में दिया हुआ है जो द्रव्यों के सभी हिस्सों और हालतों में पाया जाए। द्रव्य के सभी हिस्से मतलब क्या है? द्रव्य यदि असंख्यात प्रदेशी है या एक प्रदेशी है तो उसके सभी प्रदेशों में जो पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो ज्ञान गुण कितने प्रदेश में रहेगा, तो वो भी असंख्यात प्रदेश में रहेगा। तो द्रव्य के सभी हिस्सों में पाया जाए और वह सभी हालतों में पाया जाए। हालत मतलब अवस्था, द्रव्य की जो जो अवस्थाएं होंगी उन सभी अवस्थाओं में, अर्थात द्रव्य में जो पर्याय आएंगी उन सभी पर्याय की अवस्था में वह गुण पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ठीक है ना, तो उसकी सभी हिस्सों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाने वाला गुण होता है। दूसरा लिखा है अन्वयी बने रहना, वह अन्वयी और एक व्यतिरिक्त, एक अन्वयी और एक व्यतिरिक्त होता है। अन्वयी मतलब द्रव्य की शक्ति, उसकी शक्ति बनी रहना, जो अन्वयी रूप में रहे, शक्ति रूप में रहे, जो अपनी शक्ति समाप्त ना हो, अर्थात गुण का अभाव ना हो, ध्रुव रूप रहे, ध्रुव रूप रहे, अचल रूप रहे, सदा रहे, नित्य रहे, ऐसा गुण कहलाता है। सहभावी पर्याय, और जो पर्याय के साथ साथ रहे, सहभावी पर्याय मतलब गुण क्या है, जो पर्यायों के साथ साथ रहे वह गुण कहलाता है। और भी सर्वासिद्धिकार ने आलापत्ति में, न्याय दीपिका में, राज वार्तिक में, श्लोक वार्तिक में सभी जगह इस गुण की परिभाषा आई हुई है। देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ किसकी परिभाषा आई हुई है। सर्वासिद्धि में गुण की परिभाषा आई हुई है। द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते हैं। द्रव्य में जो भेद करता है, द्रव्य से अभेद है और भेद कौन करता है, गुण ही तो भेद करता है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण, आत्मा में दर्शन गुण, आत्मा में सुख गुण, इस प्रकार से द्रव्य में भेद करने वाले को गुण कहते, धर्म को गुण कहते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, आत्मा में गुण है ऐसा व्यवहार से धर्म भेद किया जाता है, निश्चय से दोनों ही एकमय रूप हैं, अलग अलग नहीं हैं, भिन्न भिन्न रूप नहीं हैं, एक रूप ही हैं। ऐसा मत समझना जैसे गोदाम और भंडार, भंडार में रखा हुआ सामान गोदाम में रखा हुआ सामान, ऐसा मत समझना क्यों गोदाम अलग है और सामग्री अलग है, भंडार अलग है और भंडार में रखा हुआ सामान अलग है, ऐसी आत्मा अलग है और गुण अलग है, ऐसा नहीं, गुण में ही द्रव्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, आलाप पद्धति में आचार्य ने गुण की परिभाषा बताई है, जो द्रव्य को द्रव्यांतर से पृथक करता है सो गुण है, जो द्रव्य को अन्य जो द्रव्य हैं उनसे पृथक करता है, भिन्न करता है, जैसे आत्मा, जैसे ज्ञान गुण हैं तो पुद्गल द्रव्य से बिल्कुल भिन्न कर रहा है, आकाश आदि द्रव्य से क्या कर रहा है, बिल्कुल भिन्न कर रहा है, उसे गुण कहते हैं। न्याय दीपिका में परिभाषा आई है, जो संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त कर रहते हैं और समस्त पर्यायों के साथ रहने वाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। इस प्रकार से जो संपूर्ण हिस्से में जो पाए जाते हैं वो गुण कहलाते हैं। और भी परिभाषाएं हैं, प्रवचन सार आदि में कहा है, द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग, ऐसे चिन्ह को गुण कहते हैं। और परिभाषा आई हुई है प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति में, अन्वय द्रव्य है और अन्वय का जो विशेषण है वो गुण होता है। गुण द्रव्य के विशेष हैं, गुण द्रव्य के विशेष हैं, इस प्रकार से और भी परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं गुण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गुण तीन प्रकार से दिए हुए हैं, साधारण गुण, दूसरा साधारण असाधारण गुण और तीसरा असाधारण गुण, ये तीन प्रकार से गुणों यहाँ लिखे हुए हैं। साधारण गुण किसे कहते हैं, जो सभी द्रव्यों में पाए जाए, साधारण सामान्य से सभी द्रव्यों में जो पाया जाता है वो साधारण गुण होता है। जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, अस्तिपना, वस्तुपना सभी द्रव्य में पाया जाता है। इस अपेक्षा से यह साधारण गुण हो गया जो जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म में, आकाश में, काल में, इन छह द्रव्यों में जो पाया जाए वो साधारण गुण हैं। दूसरा नंबर लिखा है साधारण और असाधारण, जो सभी द्रव्यों में नहीं पर एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए, जो सब में तो ना पाया जाए पर एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए। जैसे अमूर्तत्व, अचेतनत्व। अमूर्तत्व जो है पुद्गल द्रव्य को छोड़ दिया जाए तो पांच शेष द्रव्यों में अमूर्तत्वपना पाया जाता है। अचेतनत्व जीव द्रव्य को छोड़ करके शेष पांच द्रव्य जो हैं पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, इन सब में अचेतनत्वपना पाया जाता है। इस प्रकार से ये अमूर्तत्व और अचेतनत्व जो है वो साधारण भी है और असाधारण भी है। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है असाधारण। असाधारण मतलब जो सब में ना पाया जाए, जो अपने अपने द्रव्य में ही पाया जाए। चेतन का अचेतन में नहीं, अचेतन का चेतन में नहीं, ऐसा गुण वह असाधारण गुण कहलाता है। जैसे ज्ञान, रस, गंध, अवगहनत्व, हेतुत्व आदि। तो क्या हुआ, जैसे ज्ञान गुण है तो वो सिर्फ चेतन में ही होता है। रस, गंध आदि है वो पुद्गल द्रव्य में ही होता है, मात्र पुद्गल द्रव्य में ही होता है। और अवगाहनत्व जो है वह आकाश द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार से जो अपने अपने द्रव्य में जो विशेष रूप से पाया जाता है, अन्न में नहीं पाया जाता है, उसे असाधारण गुण कहते हैं। नमस्ते। श्री सामान्य गुण और विशेष गुण किसे कहते हैं? द्रव्य के सद्भूत गुण दो प्रकार के हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण जो हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण हैं। विशेष गुण जो हैं जो मात्र उसी ही द्रव्य में पाए जाते हैं, अर्थात अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं, वे विशेष गुण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य गुण अस्तित्व वस्तुत्व जो है वो सामान्य गुण हैं, और ज्ञान गुण आत्मा का विशेष गुण है, जिसे अपन असाधारण गुण भी कहते हैं। अब सामान्य गुण कौन कौन से हैं इसकी बात यहाँ पर करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्व और प्रदेशत्व। इस प्रकार से ये सामान्य गुण हैं। यह सामान्य गुण जो सभी में पाया जाता है, सभी द्रव्यों में अस्तिपना, वस्तुपना, द्रव्यपना, प्रमेयपना, अगुरुलघुपना और प्रदेशपना, ये जो हैं सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। क्या लिखा है अस्तित्व में क्या लिखा हुआ है? वस्तु की सत्ता स्वयं से है, यही अस्तित्वपना है। अस्ति मतलब है, क्या है? वस्तु है, असत नहीं है, सत रूप से है, और उसकी जो सत्ता है वो स्वयं से है, किसी दूसरे से नहीं है। मेरी आत्मा जो है वो अपने आप मेरे से ही है, अन्य से नहीं है, ना किसी की कृपा से है और ना ही किसी के आशीर्वाद से है, ना किसी के द्वारा बनाया गया हूँ, ना किसी के द्वारा कभी मिटाया जाऊँगा। मेरा अस्तित्व मेरे साथ है। इसी प्रकार से अनंत आत्माओं का अपना अपना स्वयं का अस्तित्व है। जितनी भी द्रव्य हैं वह द्रव्यों का अस्तित्व अपने आप से है, किसी पर से नहीं है। इस प्रकार से ये कहलाता है अस्तित्व। जो त्वा प्रत्यय लग जाता है वो भाववाचक हो जाता है, उसका भाव दिखाया जाता है। वस्तु है और वस्तु होने का जो भाव है वह अस्तित्व कहलाता है। इस प्रकार से वस्तु की स्वयं सत्ता से है, वस्तु की सत्ता स्वयं से है, इसको कहते हैं अस्तित्व। वस्तुत्व किसे कहते हैं? वस्तु में उसका प्रयोजनभूत कार्य होता रहता है, यही वस्तुत्वपना है। वस्तु अस्तित्व है लेकिन उसमें प्रयोजनभूत कार्य ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना प्रयोजनभूत कार्य होता है, जैसे जीव का जानना और देखना, ये उसका प्रयोजनभूत कार्य होता है। धर्म द्रव्य का अन्य द्रव्यों को क्या करना, चलने में सहायक आदि होना, ये प्रयोजनभूत कार्य होता है। तो वस्तु में उसका प्रयोजनभूत कार्य होना रहना ये उसका वस्तुपना दिखाता है। इस प्रकार से वस्तुत्वपना। फिर द्रव्यत्वपना, द्रव्य में स्वयं से निरंतर परिणमन होता रहता है, ये द्रव्यत्वपना है। वस्तु का जो परिणमन है वो स्वयं से है। द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है, मेरे जीव में, मेरे आत्मा में जो परिणमन हो रहा है, ज्ञान रूप, दर्शन रूप, सुख रूप, आनंद रूप, राग द्वेष रूप, वीत राग रूप, जो भी मेरा परिणमन हो रहा है, उस परिणमन की शक्ति जो है वो मेरी स्वयं की, निज की है, पर की नहीं है। ऐसा द्रव्यत्वपना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, यह निश्चय की दृष्टि से होता है। और व्यवहार दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनता है, जैसे काल द्रव्य समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है। तो इस प्रकार की निमित्त दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से यह व्यवहार है, और निश्चय दृष्टि से द्रव्यत्व गुण मेरे होने पर मेरा जो परिणमन है मुझसे है, पर से नहीं है, ऐसा मानना, ये द्रव्यत्व सामान्य गुण हैं। प्रमेयत्व गुण क्या है? द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है, ये प्रमेयपना होता है। द्रव्य जो है किसी न किसी के ज्ञान का विषय होगा। यदि वो ज्ञान का विषय ही नहीं है तो वो फिर जो द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बाहर कोई वस्तु हो नहीं सकती है। तो वह वस्तु ज्ञान का विषय जनु बनेगा। जितने ज्ञ हैं वो ज्ञान का विषय होते ही होते हैं। तो ये प्रमेयत्व गुण होता है, जैसे मेरी आत्मा किसी के केवल ज्ञान का विषय बन रही है, तो मेरी आत्मा ज्ञ है और वो जानने वाले ज्ञाता हैं, ज्ञायक हैं, वो जान रहे हैं मैं आत्मा हूँ। और कोई दूसरा केवली जो है ये भगवान हैं, तो भगवान ज्ञ हो गए और जो दूसरे जान रहे हैं वो ज्ञाता हैं। इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य जो है किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, वह प्रमेयत्व गुण के कारण बनता है। फिर दिया है आगुरु लघुत्व। आगुरु लघुत्व कौन सा सामान्य गुण है? द्रव्य के गुण बिखर कर अलग नहीं होते और अन्य उसमें आकर नहीं मिलते, ये जो गुण हैं ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण होता है। प्रत्येक द्रव्य में एक सामान्य गुण है, कौन सा? अगुरु लघुत्व, जिसके कारण उसके अपने जितने भी गुण हैं वो जो गुण हैं वो बिखरते नहीं हैं, अलग नहीं होते हैं, बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते हैं, और ना ही कोई दूसरा गुण आकर के इसमें मिल जाता है। मेरी आत्मा अनादिकाल से शरीर सहित रही, शरीर सहित है और पुद्गल की संगति कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे जो गुण हैं वो बिखर के पुद्गल में नहीं चले गए, और ना ही पुद्गल के जो गुण रूप रस आदि हैं वो मेरी आत्मा में नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि आगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य को कायम रखना, गुण को गुण रूप से कायम रखना, और द्रव्य को द्रव्यांतर नहीं होने देना, गुण को गुणांतर रूप भी नहीं होने देना, ये जो कार्य है यह अगुरु लघुत्व गुण का कार्य है। ये सामान्य से सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसलिए छह द्रव्य एक ही प्रदेश में रहें। लोकाकाश के एक प्रदेश में पुद्गल भी है, जीव भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। एक ही प्रदेश में रहने के बावजूद भी, एक दूसरे में प्रवेश करने के बाद भी इन्होंने अपने अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ा। इसका कारण मात्र आगुरु लघुत्व गुण है। इस प्रकार से और प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य रहेगा। द्रव्य का जो आकार होना ये प्रदेशत्व गुण है। जैसे पुद्गल है वो एक प्रदेशी है, आत्मा जो है असंख्यात प्रदेशी है, आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है, धर्म अधर्म द्रव्य जो हैं वह भी असंख्यात प्रदेशी है, और जो काल द्रव्य है कालाणु की अपेक्षा एक प्रदेशी है। तो इस प्रकार से कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जो निराकार हो, आकार सहित ही है। उसका जो आकार होना, क्षेत्र एरिया होना, वह जो है प्रदेशत्वपना है। इस प्रकार से सामान्य गुण जो हैं यह जो हमने बताए अस्तित्व, याद कर लेना आप लोग अच्छी तरह से, आपको बहुत काम की चीज़ें हैं। इनको पढ़ने के बाद हमारे लिए बहुत ध्यान में साधक चीज़ बनती है। मैं अस्तित्व हूँ, वस्तुत्व हूँ, द्रव्यत्व हूँ, प्रमेयत्व हूँ, आगुलत्व हूँ और प्रदेशत्व रूप हूँ। मेरा मुझसे है, मेरा पर से कोई नाता नहीं है। इस प्रकार का हम ध्यान आदि भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये सभी सामान्य गुण हैं जो 6 प्रकार के यहाँ पर कहे। नमोस्तु अजय श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि द्रव्य और गुण क्या अलग अलग है? द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं और गुण के बिना द्रव्य नहीं होते हैं, इसलिए इन दोनों में अभेदता हुआ करती है। सर्वार्थ सिद्धिकार में पूज्यपाद स्वामी ने कथनचित भेद माना है संज्ञा, प्रयोजन, संख्या आदि की अपेक्षा कथनचित भेद है, लेकिन द्रव्य का गुण से भिन्नपना नहीं होना और गुण का द्रव्य से कभी भिन्नपना नहीं होना, इस अपेक्षा से यह जो द्रव्य है भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता, अभेदात्मक रूप से है। अब देखिए, द्रव्य से गुणों, द्रव्य गुणों से अन्न हो तो द्रव्य की अनंतता हो जाएगी। यदि द्रव्य क्या हो, गुणों से क्या हो जाए, बिल्कुल अन्न हो जाए, तो द्रव्य में क्या आ जाएगी, फिर अनंतता आ जाएगी। और गुण द्रव्य से अन्न हो तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। अब गुण को द्रव्य से अलग कर दो, अब गुण द्रव्य से अलग हो जाए तो फिर द्रव्य नाम की चीज़ ही क्या बचेगी, द्रव्य का अभाव हो जाएगा। जैसे शक्कर है, शक्कर से मिठास को निकाल दो तो मिठास को निकालने के बाद वो क्या शक्कर रह जाएगी। अग्नि से उष्णपना हटा दो तो जब उष्णपना हटा दिया तो अग्नि ही नहीं रह जाएगी। जल से जो जल की शीतलता है उसको अलग कर दिया जाए तो जल नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी, जल का ही अभाव हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम गुणों से, द्रव्य से गुण को अलग कर दें, भिन्न सदा मानें और अलग कर दें, तो इस प्रकार से वो द्रव्य ही नहीं रह जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि द्रव्य से जब गुण अलग हो जाता है तब जीव को मुक्ति होती है। कुछ लोगों का मत है ज्ञान गुण जब तक रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आत्मा से ज्ञान गुण अलग हो जाए, वो निर्गुण हो जाए। क्या हो जाए, निर्गुण हो जाए। तो निर्गुण हो गया तो आत्मा को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मानना उनका बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप सब लोग भी भजन आदि के माध्यम से ऐसा ही पढ़ने लगते हैं कि हे पालनहारे, हे निर्गुण नारे, ये जो बोलते हैं ये बात बिल्कुल हमारे जिन शासन से बिल्कुल सही नहीं है। एक तो भगवान पालनहारे नहीं है, निश्चय से व्यवहार से बात अलग है, और दूसरी बात निर्गुण नहीं हो सकते हैं, गुण रहित कोई संसार में द्रव्य नहीं हो सकता, उसकी सत्ता नहीं हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया मिष्ठान बिना खारा, नमक है, नमक से खारापन निकाल देने से वो नमक का अस्तित्व नहीं रह सकता है। ऐसे उसके आत्मा से ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद निकाल दिया जाए, वो आत्मा नाम की वस्तु ही नहीं रह पाएगी। इसलिए हम गुण से द्रव्य को और द्रव्य से गुण को भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये अभेदात्मक रूप ही हैं। हाँ, वस्तु का जब हम कथन करते हैं तो हमारे कथन में भेद होता है, ध्यान रखना। वस्तु में भेद नहीं है, हमारे वचन में भेद है, हमारे व्याख्यान में भेद है। हम जब संख्या की अपेक्षा देखते हैं तो द्रव्य आत्मा एक और उसके गुण अनंत इस अपेक्षा से भेद हो जाता है। प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य का प्रयोजन कुछ अलग है और गुणों का प्रयोजन कुछ अलग है, तो प्रयोजन की अपेक्षा कर देते हैं। संज्ञा की अपेक्षा द्रव्य का नाम द्रव्य रूप जो संज्ञा वो अलग है और गुण का नाम जो गुण रूप है वो संज्ञा अलग है। तो संज्ञा की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, प्रयोजन की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा भी द्रव्य का लक्षण, गुण का लक्षण, तो लक्षण की अपेक्षा, इस प्रकार से तो भेद हो सकता है। वचन के माध्यम से तो हम द्रव्य में भेद कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः यथार्थतः से हम पूर्ण रूप से भेद कर दें, अलग कर दें वस्तु में, तो वस्तु में ऐसा होता नहीं है। आपको किसी प्रकार का इसमें शंकाएं हों तो आप इस प्रोग्राम के बाद आगम धारा शंका समाधान चलती है, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर सुन सकते हैं। अब आइए आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं, जनमानवीय स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो, हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।